किसी समाज को जब गुलाम बनाना हो तो उसके साथ चार चीजें कर दो। नंबर एक, उसकी शिक्षा छीन लो, उसका ज्ञान छीन लो। नंबर दो, उसकी शक्ति छीन लो। और नंबर तीन, उसकी संपत्ति छीन लो। ये तीनों चीजें छीन लेंगे तो वो टेम्परेरी गुलाम हो जाएगा समाज। अगर इसको परमानेंट गुलाम बनाना है तो उसके ऊपर आस्था ला दो। महात्मा बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर और आज हम इनकी जयंती मना रहे हैं, रामस्वरूप वर्मा जी और उत्तर भारत के लिए याद लड़े थे। मैं जानबूझ कर के उनको ललित सिंह यादव नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि खुद उन्होंने अपना ये सरनेम हटाया। प्रमोद जी से बात हो रही थी तो मैंने उनसे ये भी निवेदन किया था कि कल यानी 5 सितंबर को जगदेव बाबू का शहादत दिवस है, तो हम लोग आज उनको भी याद करें, उनके कामों को, उनके जीवन को, जो उनका संघर्ष है। तो ये तीन महापुरुष जिन्हें हम आज याद कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो महीना अभी बीता है उसमें हमने पीपी मंडल साहब की ही जयंती को मनाया। अगर हमें अपनी संस्कृति को जागृत करना है तो हमारे पास एक बड़ी परंपरा है हमारे उन महापुरुषों की। सावित्रीबाई फुले जैसी हमारी राष्ट्रमाता की, जिन्होंने शिक्षा की अलग जगह, तो ये हमारे त्यौहार हैं, ये हमारी स्मृतियाँ हैं, जो जिन दिवसों पर हम उन्हें याद करते हैं और यही हमारे भविष्य को, हमारे जीवन को संवारेंगे। और जब भी उन्हें खास करके मुझे याद किया जाता है तो हमेशा मैं आता हूँ, और इसलिए आता हूँ कि ये मेरी जमीन है, ये मेरा घर भी है। मैं यहाँ से करीब 55 किलोमीटर दूर, मेरा जन्म जगमलपुर का है और DVC में मैंने पढ़ाई भी की है, तो ये मेरा घर है, इसलिए मैं दायित्व समझ कर भी जब भी मुझे आदेश होता है मैं आता हूँ। बहरहाल मंच पर हमारे बीच में बाबू रामाधीन जी, मैं उनको और सुनना चाहता था, और इसलिए कि उनकी उनका जो जीवन है, जो संघर्ष उन्होंने किया, जो समाज को उन्होंने दिया है, और साथ ही साथ जो उनका चिंतन है, उस चिंतन को हम लोग लेकर के इस मुहिम को और भी बढ़ा सकते हैं। और रैपिड एक्शन टीम के बहुत सारे साथी, इनको मैं एक एक करके सबको जानता हूँ, टीम बदलाव के साथी नाम भी मेरे पास है, लेकिन मुझे लगता है कि समय थोड़ा कम है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। और जो आयोजन समिति है उसके तमाम साथी, और जिनसे मैं लगातार रूबरू रहता हूँ, लगातार जुड़ा रहता हूँ। खैर, आज जिस पर हम लोगों को बात करनी है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने, संचालक ने और हमारे सामने बैठी हमारी बड़ी बहन, एक सब ने रामस्वरूप वर्मा जी के बारे में, पेरियार ललित सिंह के बारे में, उनके जीवन के वृत्तांतों के संदर्भ में बहुत सारी बातें की। लगभग बात ये है कि वो अपने समय पर अपने समाज के उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे थे। रामस्वरूप वर्मा भी चाहते, वित्त मंत्री भी थे और विधायक भी लड़ सकते थे, आगे हो सकता है कि और बड़ा मंत्रालय मिल जाता। ललित सिंह की चाहते तो और बड़ी जगह पहुंच सकते थे। या जगदेव बाबू बिहार में आंदोलन कर रहे थे, वो चाहते तो वो भी विधानसभा में पहुंच सकते थे, बड़े ओजस्वी वक्ता थे, लेकिन उन्होंने इन तमाम लोगों को क्यों छुआ। और आज तुलना कीजिए आप उन लोगों से जो आज विधानसभाओं में और लोकसभाओं में आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। निस्कार है ऐसे लोगों पर जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो आपके अधिकारों को,
आपके ऊपर होने वाले उत्पीड़नों को लेकर के सवाल करेंगे, लेकिन वो कह रहा है हमें जागो की घटना देखिएगा। एक बेघर एक छोटे से बच्चे को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया और उस शिक्षक ने बताया, ये वो देश है कि जहां पर प्रोफेशन वर्क नहीं है, वो शिक्षक किसी जाति से आता है और उस जाति से आता है कि जो बरकतशाली है और उसके लिए उसके घड़े को छूना मना ही है। एक बच्चा को प्यासा है, अमानवीयता की हद है। आप ये सोच करके देखिए, तमाम उन घरों में, उन पाखंडियों के घरों में मिल जाएगा आपको कि वो पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, उनके यहां कुत्ते बिल्ली घुस सकते हैं, उनको वो पाल सकते हैं, लेकिन एक इंद्र मेघवाल अगर वो उस भट्टे से पानी पी लेता है तो उसे इतना पीटा जाता है कि आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। इस तरह का अमानवीय सवाल दुनिया में कोई नहीं हो सकता। साथियों, बाबा साहब को 1944 में पुणे में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जाओ और जाकर दीवारों पर लिख दो कि हमें शासक बनना है। कांशीराम साहब भी इस बात का कह रहे थे, बाबा साहब तो कई बार कह रहे थे कि बिना राजनीतिक सत्ता प्राप्त किए हुए आप इस देश में बड़ा बदलाव नहीं कर सकते या आपकी जो पराधीनता है वो खत्म नहीं हो सकती। हमें लगातार ये सचेत होना है कि हमारे तमाम अंतर्बोधों के बावजूद हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना है, सामाजिक रूप से कम उस एकता को स्थापित करना है जिसके जरिए हम राजनीतिक गलियारों में और अपने एजेंडे के साथ राजनीतिक सत्ता से प्राप्त करना मकसद नहीं, जो सामाजिक परिवर्तन का जो राजनीतिक एजेंडा है उस एजेंडे के साथ हम पहुंचेंगे। अभी जो 15 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में हुआ और हम सब ने, बहुत सारे लोगों ने उत्साह से तिरंगा लहराया होगा, तिरंगा हमारे देश की शान है और हम सब उसके प्रति सम्मान करते हैं, उसको चाहते हैं, लेकिन वो तिरंगा कब खादी से पॉलिएस्टर में बदल गया आपने सोचा नहीं। 70 साल में जितना हो सकता था अपने उन तमाम कमियों के साथ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं हुआ, आरक्षण के बीच में बहुत टाइम यूज किया गया। आप विश्वविद्यालयों में कितने हैं, आप IAS में कितने हैं, यहाँ तक कि आप सेकेंड जो क्लास है उसमें भी कितने, केवल थर्ड और फोर्थ क्लास में, मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपका आरक्षण कुछ ठीक ठाक है, बाकी जगह आप 70 साल में भी नहीं पहुंचे। और आज तो सीधे तौर पर विश्वविद्यालय में जाइए तो एनएमएस होता है, अरे आज ही आप नर खाऊ छुटे मिल रहे, और जब रिटेन का एग्जाम होता है तो इस समय अगर आप देखें तो लोग मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, मेरिट के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, और आज OBC और SC के बच्चे भी, बल्कि SC के बच्चे भी आज मेरिट के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले अगर आप 8 साल को देखें और IAS को ही देखें तो मुझे लगता है कि कम से कम 5 बार टॉप करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो SC और OBC की जमात से निकल कर आए हैं, और तब आप मेरिट की बात करते हो। इस देश में जिस तरह से वो आंदोलन चल रहा था उसी समय तिलक से लेकर के और आगे की जो पीढ़ी थी वो सतर्क हो गई थी, उन्हें इस बात को लेकर के इल्म हो गया था कि अब जो ये आंदोलन है, खास करके अछूतों का आंदोलन है, OBC का आंदोलन है, तब ये नाम नहीं था, लेकिन आज की तारीख में जो OBC है उसका जो आंदोलन था, जो आदिवासियों का आंदोलन था, जयपाल सिंह मुंडा वहां पे आ रहे थे, OBC के तमाम नेता उस समय खड़े हो रहे थे, आरक्षण पर भी वो बात कर रहे थे, जातिगत जनगणना पर वो बात कर रहे थे, तब उन्होंने समझ लिया था कि अब इनको, इनकी शक्ति को कैसे विखंडित करना है, और इसीलिए ये पूरा विभाजन बहुत तेजी से उभारा गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विभाजन पहली बार हुआ, लेकिन उस विभाजन को जिस ढंग से उभारा गया और हम उसकी जद में फंसते चले गए, और फिर जो इंजीनियर साहब ने कहा कि जो
धर्म का पूरा जो हमला है, जो आस्था है, जो पाखंड है, आप सोचिए आपके जन्म लेने से ही, माने वो कहाँ तक है जिसको सो कॉल्ड संस्कार कहा जाता है, बच्चे के जन्म से ही वो शुरू हो जाता है और आदमी की मौत तक वो पीछा नहीं छोड़ता, गोदान तो वहां तक भी जाता है। ये कोई व्यवस्था दुनिया में हो सकती है? इतनी आर्थिक उसकी आर्थिक शोषण की कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या कि जहाँ जन्म से ही शुरू हो जाए और यहाँ इसी तरह से होता है? इसीलिए उन्होंने भाग्यवाद के साथ पूरा जोड़ दिया कि नहीं नहीं, आपका जीवन तो इस पर निर्भर करता है कि आपका भाग्य क्या है, आपका कर्म बहुत बाद में आता है। और इसीलिए हम अपने हाथ दिखाने में लगे रहे, हम मूंगा पहनने और कौन कौन से पत्थर होते हैं उनको पहनने में लगे रहे, जब हम पास करके आते हैं अपनी मेहनत से तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, दंडवत कहाँ होते हैं? अरे अब मैं वो बातें नहीं कहना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि डिग्रियाँ किसके पास कितनी थी और वहाँ हम दंडवत होते हैं, और आज भी जो महामानव हैं उनके पास कितनी डिग्रियाँ हैं ये भी मुझे पता है। ये वो दौर है जब ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ तो पप्पू बना हुआ है और जिनके पास तो हाई स्कूल भी नहीं है वो महामानव है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे आलम में चुनौती सिर्फ यही है कि आप 2025 में यहाँ इकट्ठे हो पाएंगे कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये। आप मुखर होकर के अपने अधिकारों की बात कर पाएंगे कि नहीं, और इसीलिए आपको उन सवालों का डट करके मुकाबला करना है। जब वो ये कहते हैं कि आरक्षण की जरूरत नहीं है तो उसको उल्टा करके बोलिए, ठीक है नहीं है। तो जहां सदियों से जन्म जन्मांतर से जो आरक्षण चल रहा है उसको भी खत्म कर दीजिए। ये आवाज बहुत तेजी से दक्षिण से निकल करके आ रही है, स्टालिन ने जो काम किया है। अगर इस देश का जो बड़ा तबका धर्म को मानता है मंदिर में जाता है तो साहब मंदिर में वो पुजारी क्यों नहीं हो सकता? मंदिर में जो चढ़ौती जा रही है उस पर अधिकार इस देश के उन नौनिहालों का क्यों नहीं हो सकता? कोरोना पीरियड में आप सबने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं जिन हजारों करोड़ रुपए का उस ट्रस्ट में धन है उनमें से किसी ने मदद की क्या? धर्म का क्या मतलब होता है?